अंधेरी देवरी स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड बांगड़ नगर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का 23वां वार्षिकोत्सव इस वर्ष 1 से 5 फरवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। वार्षिकोत्सव के दौरान संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 फरवरी को पुष्कर से आचार्य का आगमन होगा। इसी प्रकार 2 जनवरी को देवी स्थापना व पूजा तथा अखंड वाल्मीकि रामायण पाठ का शुभारंभ, 3 फरवरी को अखंड रामायण पाठ का पारायण तथा देव पूजा का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार 4 फरवरी को मंगला आरती, श्रृंगार आरती, स्थापित देव पूजा, शोभा यात्रा, संध्या आरती, शयन आरती होगी। इसी प्रकार 5वें दिन 5 फरवरी को प्रभात फेरी, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, उत्तर पूजा, विसर्जन, खेलकूद, शोभा यात्रा, विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम एवं संध्या आरती का आयोजन किया गया है। वार्षिकोत्सव के अंतिम दिन का मुख्य आकर्षण आयोजित संगीत संध्या कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रमों के लिए श्री सीमेंट प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की जानकारी के लिए शुक्रवार को श्री सीमेंट प्रशासन की ओर से श्री रंगमंच पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मीडिया कर्मियों तथा श्री सीमेंट के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री के अधिकारियों ने वार्षिकोत्सव आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के विनय दुबे, एचसी गुप्ता, गोविंद न्याति, नीरज शर्मा, विशाल जायसवाल तथा भरत शर्मा आदि उपस्थित थे। मैं अगर डायरेक्ट लोगों की बात करूं तो श्री सीमेंट परिवार 32,000 लोगों को रोजगार देता है पूरे भारत में, और हर एक परिवार, एक व्यक्ति कम से कम आज की डेट में एक पति, एक पत्नी, 2 बच्चे, 4 लोगों का भरण पोषण करता है कम से कम। तो 32×4 करूं तो मैं 128 होता है, 1,28,000 लोगों का भरण पोषण डायरेक्टली कर रहा है। मैं बाजार में जाता हूं, कुछ खरीदता हूं, ट्रक ड्राइवर मेरे यहां से पैसा कमाता है, कुछ खरीदता है, वो कहां दे रहा है? आसपास के लोगों को दे रहा है, उससे व्यवसाय बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, टैक्सी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, मोबाइल एक्सपेंडिचर्स वाले को भी आमदनी हो रही है, तो कम से कम हर व्यक्ति पे 10 व्यक्तियों को और लाभ मिल रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्री सीमेंट लगभग 4-5 लाख लोगों को आमदनी का सोर्स दे रही है। 1979 में सबसे पहले श्री सीमेंट ने सीमेंट बिजनेस में आने की बात सोची थी, एक बीज डाला था। आज 2022 में हम 46.4 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी भारत में रखते हैं। फरवरी बुधवार एकादशी का दिन है, उस दिन हमारे जो आचार्यगढ़ हैं वो पुष्कर से उनका आगमन यहां दोपहर को हो जाएगा। 2 तारीख दिन गुरुवार सुबह 8:15 बजे से वाल्मीकि रामायण की होगी, उसके बाद अखंड रामचरितमानस के का पाठ का शुभारंभ किया जाएगा मंदिर परिसर में। देव स्थापना पूजा एवं मंत्र जाप गर्भगृह में 8:15 बजे से और शयन आरती रात्रि 10 बजे होगी।